नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 और 26 अप्रैल के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दोनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दोनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 25 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों ये दिन सोमवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। दोस्तों दिन घनिष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों दिन योग की बात करें तो शुक्ल नाम का शुभ योग और ब्रह्म नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय सुबह के 7:37 से लेकर सुबह के 9:13 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों अगले दिन 26 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों ये दिन मंगलवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और दोस्तों सद्भिषा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। साथ ही दोस्तों ये दिन ब्रह्म नाम के योग के उपरांत ही इंद्र नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों ये दोनों ही योग आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद साबित होंगे। राहु कल के समय दिन शाम के 3:36 लेकर शाम के 5:12 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आपकी प्राथमिकता आपकी खुद की गतिविधियां होंगी और बाकी सब कुछ अभी पीछे रहेगा। आप जो है दूसरे लोगों के और दूसरे मुद्दों के बारे में यश में नहीं सोचेंगे, बल्कि अपनी खुशियों पर यश में ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने दूसरों पर जो है बढ़त हासिल करने के लिए आप जो है यश में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों अनावश्यक खर्च भी बढ़ेंगे, इससे दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति जो है कमजोर होगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन दोस्तों परिवार में अनबन होने की भी संभावना बन रही है, खर्च भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, अपने टीम के काम पर पूरी नज़र रखने का समय होगा। अगर आप किसी समूह के साथ काम करते हैं या फिर दोस्तों साझेदारी व्यवसाय में हैं तो आपके लिए ये जो समय है थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको किसी मामले में कोई तकनीकी समस्या को सुलझाने में मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों यश में किसी भी मामले में तेजी से कोई फैसला ना लें, गंभीरता से विचार करने के बाद ही आप जो है यश में कोई भी कदम उठाएं। ये दोस्तों आपके काम में नकारात्मक प्रभाव को जो है कम करने में सहायक साबित होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आप जो है अपने करियर के मामले में कुछ कठिन फैसले ले सकते हैं। टीम का सहयोग भी यश में आपको जो है कम मिलेगा, इसका आप ध्यान रखें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अचानक से लाभ के योग भी बनेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापारिक यात्रा यह समय जो है लाभदायक साबित होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग भी रहेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, साथी के साथ जो है सहयोग प्राप्त होने की संभावना अच्छी पाई जाती है। जोड़े जो लोग हैं वह जो है एक दूसरे पर खूब प्रेम और स्नेह बरसाएंगे। और दोस्तों राशिफल की भविष्यवाणी है कि घर में जो है माहौल आनंदमय रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये जो समय होंगे आपके लिए थोड़ा विपरीत होगा, आप जो है उचित समय का इंतजार करें, वह समय बहुत ही जल्द आ रहा है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको जो है कमर के दर्द से परेशानी हो सकती है, आपको सतर्क यश में रहना चाहिए। दोस्तों यश में स्वास्थ्य के मामले में आपको किसी प्रकार की जो है गंभीर बीमारी प्रभावित कर सकती है, इसका आप ध्यान रखें। और सेहत के मामले में आप थोड़ी सावधानी यश में जरूर बरतें। दोस्तों ये जो समय आपका भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा
3। दोस्तों, इन दिनों में आपका जो स्वाभाविक आत्मविश्वास है और जो क्षमता है आपको जो है शीर्ष पर स्थान दिलाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो है सभी कार्य आसानी से होते रहेंगे और आप उनमें अधिक से अधिक फायदा उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, आप जो है अत्यधिक रचनात्मक और प्रेरित होंगे। इसलिए अपने कौशल को जो है प्रभावी ढंग से उपयोग करें, और क्योंकि ये जो आपके लिए पेशेवर प्रगति में आपको जो है लाभ पहुंचा सकता है, आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है यह समय, या फिर दोस्तों काम में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको यह समय दी जा सकती है। दोस्तों, गणेश जी का मानना है कि ये जो आपके लिए समय होंगे आपकी बुद्धि और आंतरिक बल, आपकी जो उत्कृष्ट जो है उपलब्धि है उसका कारण बनेगी। वहीं दोस्तों, इन दोनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे शॉपिंग करने की दिन होंगे। शॉपिंग करने का जो धुन है आपके दिमाग पर यश में हावी रहेगा। आप जो है अपने प्यार का ध्यान यश में रखेंगे, अपनी ओर उसका ध्यान खींचने में आप जो है हर संभव प्रयास करेंगे। खैर दोस्तों, अतः ये जो आपके लिए समय होंगे आपको उनका समर्थन भी मिलेगा और वो आपके करीब भी आएगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी बात करें तो गणेश जी के अनुसार ये जो समय है आपके लिए अपनी छवि में सुधार करने का समय होगा। उस पर आप पैसा खर्च करेंगे, अनावश्यक चीज़ें पर जो है इसमें पैसा खर्च करने से बचें। इस पर अपनी जो आपकी इच्छा होगी उस पर नियंत्रण आप करने की कोशिश करें, और दोस्तों आपात स्थिति जो है उसके लिए पैसे बचाने की आप यश में कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी आपात स्थितियाँ सामने आती रहती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में सेहत के मामले में सितारे जो है आपके पक्ष में है, इसके परिणाम स्वरूप आप पूरे दिन आनंदित मूड में रहेंगे। वहीं दोस्तों, यश में आपको पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए घर में जो है नीले रंग के पर्दे लगवाना चाहिए।